लेट हो गया। चलो चल आगे मत जा, जल्दी। मुहूर्त निकला जा रहा है, इधर, तारा, बस, अरे बस, अरे वाइट आया रे पीछे, राइट तारा, बस, याद है तारा, ये एनएल पिक्चर है, तारा एकदम सामने देखिए, आपका फैन सामने है, इधर एसी है मैम सेंटर, दिस कैमरा। अरे पीछे बहुत लोग आ रहे हैं यार, रकुल मैम सेंटर, रकुल मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा और एक ए साइड आ जाऊंगा, थोड़ा सा पास मैडम जी, बात अभी देखो मैम सेंटर, एकदम सामने देखिए मैडम, मैम दिस कैमरा रकुल जी एक बार यहाँ देखिए, हाँ 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 जी, अरे डायरेक्ट एकदम सामने सब लोग, सेंटर समीक्षा, अभी जो भी आएंगे ना सबको उधरी करो, हाँ इधर देखो, और पीछे वो राउंड सर पीछे का थोड़ा क्लियर करो, पीछे से सब लोग हट जाओ, दादा ये काय करतो बाळा, दादा थोड़ी खाली, बराबर है, ठीक है, दादा समोर, अरे भाटी जी जरा पीछे आओ, थैंक यू दादा समोर, रितेश साहब रितेश सर सोलो, दादा समोर बघा,
दादा समोर देशमुख साहेब सर इथे दादा इकडे बघा इथे सर दादा समोर अरे भाटी जी थोड़ा पीछे आओ यार थैंक यू थैंक यू सीट सोलो सीट 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 और दादा 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 अरे कौन है अरे जादव थोड़ा पार्टी आओ बोथ राइट बोथ राइट बोथ राइट बोथ राइट दादा समोर दादा काय उड्या जरा जरा जा सीट 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 थोडं राईट साईड हा बस बरोबर सीट एकदम सामने राईट 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 सीट समोर राईट राईट सीट सीट एकदम सामने नको हाउ वाज इट फॉर यू यू नो योर एक्सपीरियंस क्विकली वी विल डू दिस जी बताएं एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड थैंक यू सो मच मिलाप फॉर ऑल द अमेजिंग वर्ड्स जो आरजू का कैरेक्टर है यू नो व्हेन मिलाप टोल्ड मी द रोल आई थॉट इट वॉज समथिंग सो रिफ्रेशिंग एंड सो डिफरेंट आई हैव ग्रोन अप ऑन अ डोज ऑफ 90s सिनेमा एंड उस टाइप की फिल्में और इस टाइप की डायलॉग बाजी आजकल नहीं देखी जाती है सो जब आरजू का कैरेक्टर मुझे बताया गया सो आई वॉज लाइक वाई नॉट यू नो आई गेट टू डू समथिंग विच इज़ सो एलिगेंट यू नो शी हैज़ अर ओन ग्रेस एंड लाइक ही सेड वेन ही सेड मुकद्दर का सिकंदर रेखा तो आई वॉज लाइक डन एंड आई एम सो हैप्पी विद यू नो द रोल एंड इट्स आई रिमेंबर वन थिंग मिलाप टोल्ड मी जो मैंने पहले भी कहा था मेरी फिल्मों में हीरोज़ के भारी भरकम डायलॉग होते हैं इस बार लड़की के हीरोइन के भारी भरकम डायलॉग्स होंगे एंड दैट यू हैव सीन एंड देयर आर मेनी मोर इन द फिल्म सो थैंक यू सो मच एंड दिस एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ मरजावा हैज़ बीन वेरी वेरी अमेजिंग एंड आई लाइक टू थैंक द एंटायर टीम यू नो निखिल सर मोनिशा भूषण सर एंड सिड तारा एवरीवन इट्स जस्ट बीन ग्रेट एंड मिलाप रितेश आई थॉट वो एवरीवन आई मीन एवरीवन द एंटायर टीम एंड इट्स बीन ग्रेट थैंक यू सो मच फॉर दैट तारा दिस वन्स फॉर यू प्लीज टेल अस हाउ वाज इट फॉर यू बिकॉज वो रिएक्शन आपका क्या आया था बिकॉज ऑल ऑफ अस वर लाइक हां एवरीथिंग इज गोइंग अंकी डोरी सही चल रहा है सब एंड अचानक से धड़ You know, the first time I saw that, I, in any case, it's such an emotional and dramatic film and story. And in fact, when Milap actually narrated it to me for the first time, I was, and I'm in any case an emotional fool, I was sobbing at the office. And when I saw the trailer, I again was sobbing. I saw it just now, I got teary-eyed. So, I mean, it's great to be able to do something and to do a film like this. It's my second film, and I feel so grateful to the whole team, to Milap, to Nikhil sir, to Monisha, to everyone. Right. Honestly, I just feel really blessed and so excited. Thank you so much. Sid, this one's for you. Please bataiye. You know, with you, sabse pehli baat, itne fans kahin hum log ko dekhne ko nahi milte hain. Whenever it's your launch, pata nahi kaise, matlab kya hai wo? Haan bhai. See? It's well, awesomeness. See? They're like, baby. Big kiss to all of them. हाय मैं मर जाऊँ इनको देख के लगता है मुझे हाय मैं मर जाऊँ राइट फिलहाल हम मर गए हैं एक्टिंग से एक्शन से सो प्लीज टेल अस अबाउट दिस ये कैसे ये कहाँ से शुरुआत हुई और क्या हुआ थैंक यू गाइस वेल ये पिक्चर आई थिंक यू नो मिलाप बिलीव्स इन द सिनेमा दैट वी ऑल ग्रो अप वॉचिंग कि एक हीरो की तरह चाहे एंट्री मारे या हीरो की तरह एक्शन करे या उसकी डायलॉग बाजी हो So I personally grew up in on cinema like this and I think mujhe pehli baar I think itne saalon mein mauka mila aisa hero play karne ka to maine jab narration suna aur milap ji ki narration sune inke dialogue sune to that was the first thing that I got very excited ki yaar karna chahiye I got inspired to become a hero
watching big action heroes, you know, saying dialogues, you know, doing action, hopefully, somewhat like this. And this is what it is. This is, I think, this is the first time in my career I'm playing a hero and being presented like one, all thanks to Milap and the whole team here on stage. So I'm pretty excited about Marjava on 8th of November, guys. And with my partner in crime, Ritesh, who's slightly shorter this time, but equally powerful and double dose. So we're super excited to present to you this film on 8th of November, guys. Marjava. Well, sabse filmy director ka, sabse filmy hero, aur ab sabse filmy villain ki baat karte. Ritesh bhai, matlab everybody, you know, इंडस्ट्री में कोई भी वो आपकी अच्छाई की बात करता है, ये वाला कहाँ छुपा के रखा था, ये जो कूट कूट के भरा हुआ है आपके अंदर, ये सिर्फ मेरे सामने आता है वैसे, है ना, ये साइड हाँ, दूसरी बार है नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि जब भी मिलाप सिद्धार्थ के लिए रोल लिखता है तो उसको लगता है उसके ऑपोजिट कोई कमी ना होना चाहिए, और सिद्धार्थ और मिलाप को पता है कि उसके जिंदगी में मुझसे बड़ा कमी ना कोई है नहीं. राइट अब हमको पता लग गया ये क्यों ऐसी कास्टिंग की गई. एक बार जोरदार तालियां हो जाए फिर से हमारी इस कमाल की कास्ट के लिए. एंड नाउ इट्स ओवर टू ऑल यू वंडरफुल पीपल. जी आप